जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर कूलम्स लॉ में एक वर्ड परमिटिविटी बताया था, तो आज हम बात करेंगे परमिटिविटी। सो व्हाट इज द कूलम्स लॉ? एफ इज इक्वल टू 1/4πε(Q1Q2)r² और इसकी जो सेकंड फॉर्म थी दैट इज द 1/4πε(0)(εr)Q1Q2)r² So, इसके वर्ड से ही क्लियर है कि दैट विल परमिट। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आज का लॉकडाउन चल रहा है और आप सभी रामायण तो देख रहे होंगे, तो लेट अस सपोज श्री राम जी जब बाण चलाते हैं, लेट अस सपोज वो बाण चला रहे हैं 100 बाण्स, लेकिन जो दुश्मन सेना है उसके पास सिर्फ 80 ही पहुंच रहे हैं। लेट अस सपोज यहां पे कितने पहुंच रहे हैं? 80। हम श्री राम चला कितने रहे थे? 100 बाण्स। तो दैट मींस कि इसमें से 20 कहीं ना कहीं या तो एयर मीडियम से या किसी कारण से वो नीचे गिर जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? तो यहां पे हमारे पास कितने पहुंचे? 80। वैसे ही अगर यही मीडियम, लेट अस सपोज इस मीडियम एयर को मैं वाटर से रिप्लेस कर रहा हूं, तो जो 100 वाले थे वो कितने पहुंचे? लेट अस सपोज, क्योंकि हमें पता है ये कितने कम होता है, दैट इज 80, तो 80 टाइम्स कम कर दो तो अब कितने पहुंच रहे हैं? 20। इसी का सेम बेस मान के अब हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज द परमिटिविटी। सो इसके लिए लेट अस सपोज वी हैव टू चार्जेस, फर्स्ट चार्ज Q1 एंड सेकंड चार्ज द Q2। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आइदर इट विल अट्रैक्ट और रिपेल। तो अट्रैक्ट और रिपेल क्या करेंगे? ये एक थ्रेट लाइक्स, ये ऐसे समझ लो कि हमारे हैंड्स है, तो जब हम उन हैंड्स को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर क्या करेंगे? रिपेल। तो जैसे ही ये थ्रेट्स लाइक है, लेट अस सपोज दिस आर द 100 थ्रेट्स, लेकिन इसके बीच में एयर एक मीडियम है, दिस इज द एयर। तो एयर क्या करती है कि कुछ मीडियम को एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब ये इसको परमिट नहीं करेगी उस तरफ जाने के लिए। तो अब इसके पास कितना पहुंच रहा है? सपोज ये इसमें 20 इसमें एब्जॉर्ब ऑफ हो रहे हैं, तो कितने पहुंचे हैं यहां पे? ओनली 80। सो अगर इसी मीडियम को अगर मैं वाटर के साथ प्लेस कर दूं, तो वाटर की कितनी होती है? दिस इज द 80 टाइम्स कम। तो ये अब 100 टाइम्स जो थे वो सिर्फ 80 टाइम्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन अब क्या रहा है? 20 टाइम्स। और यही जो एग्जांपल थी वो मैंने NaCl की फॉर्म में बताया था कि जो NaCl है वो एयर में एक सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको वाटर में डाल देते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। दैट मींस मीडियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। और इसको अब हम इसी का बेस मान के हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, परमिटिविटी इज एन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मीडियम ड्यू टू विच इट एब्सॉर्ब द इफेक्ट ऑफ फोर्स टू द अदर चार्ज। सो दिस इज द परमिटिविटी। और जैसे जैसे हम परमिटिविटी को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे परमिटिविटी ज्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे ही फोर्स कम होती जाएगी। और दो जैसे कि एग्जांपल बताई थी NaCl की, और ये वीक फोर्स इनमें आना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या था? दैट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू क्या थी वो आपको लर्न ही करने पड़ेगा। दैट इज 8.85 × 10⁻², क्या यूनिट थे? न्यूटन इनवर्स, यस। अभी तो इसमें क्या आना चाहिए? मीटर स्क्वायर इनवर्स एंड कूलम स्क्वायर। सो दिस इज द एब्सोल्यूट, मींस एक एब्सोल्यूट मीडियम दैट इज एयर के लिए इसकी ये वैल्यू है। अब हम बात करते हैं ये वैल्यू किसके लिए थी? दिस इज फॉर मीडियम। अगर हम यही वैल्यू फॉर एयर के करें, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एयर? दैट इज द एफ ऑफ एयर इज इक्वल टू 1/4πε(0)Q1Q2)r², बिकॉज एप्साइलन आर फॉर एयर दैट इज इक्वल टू 1। अगर हम दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दें, सो दैट इज द एफ ए अपॉन एफ एम, सो ये सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा? दैट इज द एप्साइलन आर, एंड एप्साइलन आर इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी, मींस हम इसको आपस में रिलेट कर सकते हैं। दैट इज द फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम।
और इसी के सेकंड फॉर्म जो मैंने यहां बताई थी दैट इज अ एप्सिलॉन, दैट इज टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर. सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो इट इज अगेन डिफाइंड एज लेटी परमिटिविटी, इज डिफाइंड एज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी. सो दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी. थैंक यू स्टूडेंट.